आपके साथ आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और उससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। ये स्टोरी मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। इस गलती के बाद मुझे पता चला कि क्या कुछ चीज़ें मुझे पहले करनी चाहिए थी। उसके बाद मैंने उसे अप्लाई की और उसके बाद सारी चीज़ें सही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में, और उससे पहले एक स्टोरी आपको बताऊंगा जिसके बाद मुझे इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस पता चला। पिछले साल जून महीने में हमारी फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आई। डॉक्टर ने पहले ही आइडिया दी कि अमाउंट बड़ी रहेगी। फिर मैं सोचने लगा कि इन पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई इमरजेंसी फंड था ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे में मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें से ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स मुझे बेचनी पड़ी और वो बिल पे करना पड़ा। डिस्चार्ज के 2 दिन पहले डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन में आपको बिल पे करना होगा, और फिर मैंने उतनी अमाउंट के अपने शेयर्स बेच दिए और वो पैसा डॉक्टर के हाथ में थमा दिया। तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी, और सबसे बड़ी पैंडेमिक की लर्निंग ये थी कि मैंने प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाया। जब इमरजेंसी का समय आया तब जाकर मुझे उस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता चला, और तब जाके मैं सोचने लगा कि शायद मेरा कोई इमरजेंसी फंड होता तो। यहाँ पर 2 बड़े सवाल आते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपको इमरजेंसी के टाइम काम में आता है। ये इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। जनरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम कई सारी म्यूचुअल फंड के SIPs, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर FDs, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर इमरजेंसी फंड के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। इमरजेंसी के लिए फंड रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक और चीज़ जो मेरे समझ में आई वो ये है कि सेविंग अकाउंट में आप इमरजेंसी फंड नहीं रख सकते। सेविंग अकाउंट में जब पैसे रहते हैं तो कई बार आम एक्सपेंसेस के लिए भी हम उसे यूज़ कर लेते हैं बिना ये सोचे कि शायद हमें इन पैसों की ज़रूरत फ्यूचर में पड़ सकती है, और इसीलिए इमरजेंसी फंड को कम्प्लीटली सेपरेट बिल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे मैंने बिल्ड किया इसके बारे में अभी मैं बात करूँगा। जब हमारे सबके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम भी कुछ इसी तरह के रास्ते चुनते हैं, या तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं या फिर किसी और से पैसा उधार लेते हैं। जब मैंने शेयर्स बेचे तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं गलत प्राइस पर उन्हें बेच रहा हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैंने इमरजेंसी फंड कभी बिल्ड ही नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि प्रोएक्टिवनेस दिखाना। कोई भी सक्सेसफुल लीडर हो या सक्सेसफुल पर्सन हो, उनमें एक क्वालिटी हमेशा कॉमन होती है, वो होती है कि वो बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं। आने वाले सिचुएशंस को देखते हुए वो पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। तो इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट यूज नहीं करना है। जैसे कि हमने बात की कि सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं उन पर हमारा कंट्रोल काफ़ी कम रहता है। जब भी अचानक से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल एक्सपेंसेस भी हो, उसी अकाउंट से हम एक्सपेंसेस कर देते हैं। सेविंग अकाउंट का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेविंग अकाउंट पर बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो तो 2-3% के इंटरेस्ट रेट पर आपका जो भी पैसा है वो इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या कुछ सॉल्यूशंस है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दूसरी इंपॉर्टेंट गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, जिसका नाम है इंश्योरेंस। अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा होता मेरी पूरी फैमिली का, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला होता। हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ज़्यादातर जो इमरजेंसी फंड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ही होते हैं। सो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे रिस्क हम मिटिगेट कर सकते हैं, यानी उन्हें बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो मेजर डिजीजेस है उनके क्लेम अमाउंट लगातार बढ़ रही है, और लगातार वो करीब 8-10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ रही है। मेजर डिजीजेस से आने वाली एवरेज क्लेम अमाउंट 2007 में 98,000 रुपीज थी, जो कि 2010 तक बढ़कर 1,38,000 तक चली गई, और इसी तरह से लगातार वो बढ़ रही है और फिलहाल 2,00,000 रुपए के करीब चली गई है। तो ऐसे में इस तरह के बड़े एक्सपेंसेस को मिटिगेट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हमारे काम आ सकता है। अब सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने। तो उसके लिए आपको एक रेशो जिसका नाम है क्लेम सेटलमेंट रेशो, उस पर ध्यान देना होगा। क्लेम सेटलमेंट रेशो हमें बताता है कि टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम सेटल हुए हैं। आइडियली क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% से ज्यादा होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको आज के हमारे इस वीडियो के प्रायोजक नावी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प कर सकते हैं, जिनकी वजह से आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। मिस्टर सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के कोफाउंडर है, उन्होंने ही नावी हेल्थ इंश्योरेंस को शुरू किया है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस को आसान और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। नावी ने अपने जनरल इंश्योरेंस स्पेस में 12 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है। जहां तक उनके हेल्थ इंश्योरेंस की बात है तो ऑन एन एवरेज वो बस 20 मिनट में कैशलेस सेटलमेंट करते हैं, और ऑन एन एवरेज 4 घंटों में रिइंबर्समेंट भी हो जाता है। कैशलेस सेटलमेंट के लिए उनका 10,000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है।
इन हॉस्पिटल्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके उनके ऐप में चेक कर सकते हो। नावी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी काफी अच्छा है, जो कि 97% है, जो कि इंडस्ट्री में भी वन ऑफ द बेस्ट है। अब बस 2 मिनट में नावी हेल्थ ऐप के जरिए उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए साइन अप कर सकते हो, और ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। उनके हेल्थ इंश्योरेंस के मंथली इंस्टॉलमेंट्स सिर्फ 240 रुपीज पर मंथ से शुरू होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नावी हेल्थ इंश्योरेंस कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करता है, जो कि पैंडेमिक के इस दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। नावी हेल्थ इंश्योरेंस का ये ऐप आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल प्रोसेस की मदद से आप 2 मिनट में साइन अप कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद अगला सवाल आता है कि अगर इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग अकाउंट यूज नहीं करना है तो फिर क्या यूज करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली एक लिक्विड फंड यूज करना है। लिक्विड फंड्स जनरली सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देते हैं, और उनकी सबसे खास बात यह है कि सेविंग अकाउंट में जैसे हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि उन पर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो विड्रॉल प्रोसेस में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, और वो अमाउंट आपको सेविंग अकाउंट में दिखती भी नहीं है, वो आपको म्यूचुअल फंड ऐप में दिखती है। तो हम उस अमाउंट को जनरली इन्वेस्टमेंट्स की तरह देखते हैं, इसलिए जनरली हम उसे विड्रॉ नहीं करते हैं। सो इमरजेंसी फंड का पैसा आप सिंपली लिक्विड फंड में डाल सकते हो। कई सारे लिक्विड फंड्स आज की डेट में अल्ट्रा विड्रॉ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी आप उनके साथ 50,000 रुपए तक की अमाउंट तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि अमाउंट कितनी रखें। शुरुआत में आप सिर्फ 1% ऑफ द सैलरी से शुरुआत कर सकते हो। जो भी आपकी सैलरी है उसका 1% अमाउंट आप SIP के तौर पर एक इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। अगेन SIP का ये फायदा होता है कि हर महीने वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट जाती है, उसे ऑटोमेटिक वो अमाउंट इमरजेंसी फंड में भी जाएगी, और इमरजेंसी के टाइम वो पैसा आपके काम में आएगा। ये दोनों चीज़ें, यानी हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, और आने वाले टाइम में इस तरह के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उनसे मुझे बचा लिया है। तो सिंपली इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से इस तरह की गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, चाहे वो लिक्विड फंड हो, उससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल रहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आपको दूं, और अगर पॉसिबल होता है तो उन टॉपिक्स पर आगे चलकर हम और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि पैंडेमिक के इस टाइम में इन जैसे सवालों के आंसर आपके पास होने चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।